हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर पासिंग द एआईबी एग्ज़ाम या एआईबी 18। सो गाइस, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी? आपने एआईबी एग्ज़ाम को तो क्रैक कर लिया है, बट स्टिल जो है सीओपी आना बाकी है, तो आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी एआईबी एग्ज़ाम के बाद, अगर आप लोगों ने क्रैक कर लिया है, पास कर लिया है तो। सो बेसिकली जो है, आप लोग जो है एक प्रैक्टिसिंग लॉयर होंगे। एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर यू मस्ट अडेयर टू प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट रूल्स सेट बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आप लोगों को जो है बिल्कुल प्रॉपर पता होने चाहिए, जो भी रूल्स जो मेंशन किए गए हैं बार काउंसिल के द्वारा, वो आप लोग जो है उनकी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ लीजिए। जो भी प्रोफेशनल कंडक्ट्स वगैरह है, सारा सब कुछ जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी है जिससे आप लोगों के कैरियर पर कोई भी एक तरीके से आपको नुकसान हो, ठीक है, आपके कैरियर को नुकसान हो। सो दिस इंक्लूड्स अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ द लीगल प्रोफेशन, रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट एथिकली एंड एफिशिएंटली effectively and continue to enhance your legal knowledge and skills. So basically, in case अगर आप लोग जो हैं लॉयर बन गए हो, एडवोकेट बन गए हो, सो उस केस में जो है आप लोगों को अपनी जो लीगल प्रैक्टिस है, जो लीगल नॉलेज है, उसको स्किप नहीं करना है। आप लोगों को जितना हो सके उतनी नॉलेज आप लोगों को गेन करनी है। जो भी ये लाइव लॉ पर जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, जो भी जजमेंट्स आते हैं किसी भी कोर्ट के, सो बेसिकली जो है आप लोगों को देखना है, नॉलेज गेन करनी है, ताकि आप लोग जब क्लाइंट आप लोगों के सामने आए, आप लोग उसको इजीली हैंडल कर पाओ। और आप लोगों एक डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है, और जब आप लोग रिप्रेजेंट करोगे क्लाइंट को एथिकली और इफ़ेक्टिवली, आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है, और आप लोगों को डिग्निटी को अपहोल्डिंग करना है, अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ लीगल प्रोफेशन। और बेसिकली आप लोगों को जो है जितना हो सके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लीगल नॉलेज को या स्किल्स वगैरह को आप लोगों को गेन करना है किसी भी तरीके से। ऐसा नहीं है कि हाँ बस आप लोग अब अपने चैम्बर में आ गए हैं ना, आप लोग एडवोकेट बन गए हो, तो आप लोगों को अब कोई नीड ही नहीं है, या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोग ऐसा कुछ नहीं सीख रहे हो जो कि बेनिफिट हो, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, या आप लोगों के लिए आपके क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल। तो आप लोगों को जो है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जिससे खुद को या फिर आपके क्लाइंट को जो है कोई भी लॉस हो किसी भी तरीके का। एंड आप लोगों ने जो है बिल्कुल गुड फेथ में सारे के सारे जो भी केसेस आप लोगों के पास आएंगे, वो सारे के सारे केसेस वगैरह जो हैं आप लोगों को बिल्कुल गुड फेथ में देखनी है। और इन केस अगर आप लोगों को नहीं पता बेसिक जो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या जो भी बेसिक एटिकेट्स वगैरह रूल्स वगैरह मेंशन किए गए हैं, वो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के प्रॉपर सेक्शन वाइज जो है वहाँ पर दिए होंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाइए, वहाँ से देखिए आप लोग क्या कुछ है, या फिर आप लोग नेट से भी सर्च कर सकते हो, अब वो आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। सो गाइज, स्टिल एआईबी 18 का जो सीओपी है वो नहीं आया है, उसकी अभी कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही आ जाएगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर किया जाएगा, जरूर आप लोगों को नोटिफिकेशन इस चीज़ की मिल जाएगी, ठीक है। स्टिल अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है तो गाइज हमारा एक टेलीग्राम पर लॉन टिप्स के नाम से चैनल है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप लोग अपनी क्वायरीज और इश्यूज को शेयर कर सकते हो, ठीक है। होप्स आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल